पूरे जनूबी अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। अब काबुल से कुछ ही किलोमीटर फासले पर तालिबान अमरीका का अफगान सदर अशरफ गनी से इस्तीफे का मुतालबा, जबकि अफगान नायब सदर के मुल्क से फरार होने की खबरें। तालिबान की मुसलसल पेशकदमी के पेश नज़र अमरीका की तालिबान से अपील, मुल्क का कंट्रोल संभालने पर अमरीकी सिफारत खाने पर हमला न करे तालिबान। हिंदुस्तान भी अपने सिफारतकारों और लोगों की हिफाजत को लेकर फिक्रमंद, शहरियों को वापस लौटने की दी सलाह। तालिबान तर्जुमान ने हिंदुस्तानी शहरियों को नुकसान नहीं पहुँचाने की कराई यकीन दहानी। असम असम्बली में मवेशी तहफ़ बिल 2021 मंजूर। अब मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गाय के गोश्त की खरीद या फरोख्त पर लगेगी पाबंदी। बिल की मंजूरी से अकलियती तबके में मायूसी। कानपुर में मासूम बच्ची के सामने मुस्लिम वालिद को पीटने और जय श्री राम नारा लगाने को मजबूर करने के संगीन मामले में मुलजिमीन को 24 घंटों के अंदर ही मिली जमानत। शरपसंदों की रिहाई के लिए बजरंग दल कारकुनान ने पुलिस थाने के बाहर की थी हंगामा आराई। रियासती अकलियती कमीशन ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेज कर तलब किया जवाब। मुस्लिम मुखालिफ इकदाम में हो रहे इजाफे के बावजूद शरपसंदों को लेकर सरकार और पुलिस के नरम रवैये की भी की जा रही है पुरजोर मजम्मत। यूपी के सीतापुर में गौकुशी के इल्ज़ाम में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए 3 मुस्लिम नौजवानों की रिहाई का अलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया हुक्म। अदालत ने कहा, घर में गाय के जबीहे से नहीं बिगड़ सकता अवामी नज़्म व नस्क। एनएसए लगाए गए 70% मामलों में हाईकोर्ट ने योगी इंतजामिया की है सख्त सरजनिश। जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नाराबाजी मामले में मुलजमीन को जमानत देने से अदालत का इनकार। अदालत ने सख्त तबसरे के साथ मुलजमीन की अर्जी को किया खारिज। दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर भी कोर्ट ने उठाए सवाल। यूपी बिहार महाराष्ट्र में सैलाब से कई गांवों पर आफत का पहाड़, लोग बुनियादी जरूरत से तक महरूम। बिहार में हर जगह गंगा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर। पटना, आरा, बक्सर समेत कई अजला में सैलाब का खतरा, महफूज मकामात पर मुंतकिल होने को मजबूर लोग। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से बनने वालों की तादाद में इजाफा, अब तक 5 लोगों की मौत। रत्नागिरी में 2, मुंबई और रायगढ़ में भी 2 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कुल डेल्टा प्लस के 66 मरीज। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी सीनियर रहनुमाओं के ब्लॉक किए गए अकाउंट कर दिए गए अनलॉक। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, सत्य में विजय थे। दिल्ली की इस मदरेजी मुतासरा की पहचान उजागर करने के इल्ज़ाम में बंद किया गया था अकाउंट। राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर ट्विटर के जानिबदाराना रवैये पर की कड़ी तनकीद। हुकूमत वक्त के इशारे पर काम करने का ट्विटर पर लगाया इल्ज़ाम, अकाउंट पर पाबंदी को जमहूरियत पर हमला करार दिया। दिस इज एन अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। दिस इज नॉट एन अटैक ऑन राहुल गांधी। दिस इज नॉट यू नो सिंपली शटिंग राहुल गांधी डाउन। आई हैव 19-20 million फॉलोअर्स। यू आर डिनाइंग देम द राइट टू एन ओपिनियन। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। So this is not only patently unfair, this is, they are breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics? परभनी दाइश मामले में गिरफ्तार मुलजिम इकबाल अहमद की मुंबई हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत। गुलजार आजमी को ट्रायल चलने के बाद बाइज्जत बरी होने का यकीन। बोले, हिंदुस्तान में दाइश का नहीं है कोई वजूद। झूठे मुकदमात को मुस्लिम नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश करार दी। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन की साइट भी हैकरों से महफूज नहीं। वेबसाइट हैक कर 10,000 से ज्यादा बनाए गए फर्जी वोटर आईडी कार्ड। साइबर सेल ने सहारनपुर से एक शख्स को किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खदशे के पेश नज़र महाराष्ट्र हुकूमत का बड़ा कदम। अब महाराष्ट्र में दाखिल होने के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाना लाजमी। बतौर सबूत वैक्सीन सर्टिफिकेट भी रखना होगा साथ। वैक्सीनेशन न होने पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी, वरना 14 दिन रहना होगा क्वारंटाइन।
जम्मू कश्मीर में मुबैना तौर पर आर्मी ट्रक से एक बुजुर्ग खातून को कुचले जाने की वीडियो बनाने वाले एक नौजवान पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। कश्मीरी नौजवान पर वाकये को लेकर तशद्दुद भड़काने, नारेबाजी करने और नौजवानों को उकसाने के इल्जाम में भेजा गया जेल। अहले खाना ने इल्जाम को किया मुस्तरद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फिक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद खबरों के लिए विजिट करें fikrokhabar.com।